वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मेरी मामा बना रही हैं चिकन चने, तो चलिए देखते हैं मेरी मामा किस तरह बनाएंगे इसको। अभी तो फ़िलहाल इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और मक्खन डाला है और घी डाला थोड़ा सा ताकि मक्खन जले ना। और चलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैंने चने जो बना रही हूँ इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने एक जगह पे निकाल लिया है। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है और अब मैं उसमें प्याज ग्राइंड किया हुआ वो डाल दूँगी। आप देख रहे हैं मैं आलू भी एक किलो छील रही हूँ। इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी देर जो पानी वगैरह है ये खुश्क हो जाए इसमें से, और फिर उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाला जार डालेंगे। तो मैंने छील लिया था और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी ताकि हमारी जो ग्रेवी है चनों की वो अच्छी बन जाए। आप देखते रहें कि ये अभी ज़रा थोड़ा सा गर्म है इसलिए मेरे हाथ में थोड़ा ना वो लग रहा है। इसमें थोड़े से मैं चने भी डाल दूँगी। तो मैं इसको ग्राइंड करूँगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये ग्राइंड हो चुका है। तो आपने इतनी देर तक इसको ग्राइंड करना है। अब नेक्स्ट आप मेरे मामा से सुने। चलो आस्ता आस्ता चम्मच में हिला रही हूँ ताकि जो प्याज का पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद में इसमें ये जो हमने ग्राइंड किया है एक आलू और चने वो डाल दूँगी। तो मेरा मिर्चों का पेस्ट है, मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी। देखें मैं चाह रही हूँ कि जरा थोड़ा सा कलर जो है वो इसका ब्राउन सा आ जाए प्याज का। उसके बाद मैं चने मसाला वगैरह डालूँ। तो ये जो चने हमने लिए हैं ये वाइट चने थे, तो आपने सारी रात के लिए इसको रख देना है पानी में सॉक करके। हमने ये पहले ही सॉक करके रख दिया था 12 घंटों के लिए। और तो अब ये देखें बॉयल अब ये सॉक हुए हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्ट, अब मैं इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था वो डाल दूँगी ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी बन जाए। तो इसको मिक्स करना है। हाँ साथ साथ मैं मिक्स भी करती रहूँगी ना। तो ये देखें मेरा मिर्चों का पेस्ट मैंने डाल दिया। कितने चम्मच? 1.5 चम्मच। अपने चनों के हिसाब से आपने देखना है कि आपने चने कितने पकाने हैं, हाफ के जी, और टेस्ट भी आपका कैसा है टेस्ट के मुताबिक डालनी है। मैं ज़रा थोड़ा सा लाइट यूज करती हूँ इसलिए मैंने हल्की भी डाली है। अब इसमें हम 2-3 दालचीनी के दालचीनी के टुकड़े मैं तोड़ के डाल रही हूँ, मुझे साबुत ना पसंद नहीं है। 2 बड़ी इलायची जो हैं वो डाल दूँगी। थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे।
तो अब इसको मिक्स करूँ? मैं करती हूँ। तो ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर अभी मामा कह रही हैं कि इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया, पानी सारा खुश्क हो गया, तो अब इसमें मैं चने डाल दूंगी। तो ये क्या काली मिर्च का पाउडर? ये मैंने हल्का सा गरम मसाला छिड़का है। अच्छा। और ब्लैक पेपर है। और जो साथ चनों का पानी था वो अभी मामा ने डाला, वो आपने गिराना नहीं है, जिसमें आप चने सॉक करके रखेंगे। अब इसको हम ढक देंगे और ये थोड़ा पक जाएगा, और तो उसके बाद हम देखते हैं। सो गाइस ये देखें, ये मेरे पैरट्स हैं। तो जो ये बच्चा है छोटा सा, ये जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और वो डैड है, और मदर उसकी अंदर गई हुई हैं। और आपको मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरा एक इसी की तरह ग्रे कलर का पैरट था, पर वो इससे थोड़ा छोटा था क्योंकि वो इसके बाद हैच हुआ था। तो आज मैंने इनका वाटर चेंज करने के लिए पिंजरा खोला ही है, तो मैंने देखा कि दरवाजे के साथ ही वो लगा हुआ था बच्चा, और वो बस डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये अभी तक नहीं हुआ, तो अभी बस थोड़ी सी देर हुई है, हमने छोड़ा है, तो अब बस थोड़ी देर और होएगा, तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है फिर। सो गाइस मेरे पास आपके लिए एक पॉइंट है कि अगर आपने थोड़ी सी इसके बीच दही डालनी है तो आप डाल सकते हैं, बट हमने दही के बगैर बनाई है इसलिए हमने योगर्ट नहीं डाला। आपने जब हंडिया में आप डाल देंगे चने, तब आपने दही डालनी है इसके बीच मिक्स करने के लिए। अगर यह आपका ऑप्शनल है, अगर आप डालना है आपने डालनी है तो आप डाल सकते हैं। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। उसके थोड़ी देर बाद बस हम देखते हैं कि अब क्या कंडीशन है। ये देखें कितना अच्छा ऑयल आ गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी बड़ी कटी सब्ज मिर्च डाल दूँगी और ऑरिगैनो पे हल्के से डाल देंगे, ताकि हमारा जो कलर है और जो स्मेल है वो भी बड़ी अच्छी आए। अब ये रेडी है, तो दो मिनट के बाद मैं मन बंद कर दूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं